एक कपड़ा मेरा भीगा हुआ दिखा दो, गारंटी कि मेरा कपड़ा भीगा हुआ दिखा दो एक भी, ना आगे से ना पीछे से, दुखाऊं पूरा ड्राइव। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एंड मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। और आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, रस्से का जो आज वो कपड़ा धो रहा है, क्योंकि मैंने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए रख दी थी। और मैं फिर नाश्ता खाना बनाने लगी, क्योंकि भंडारी जी का लंच भी तैयार करना था, तो मुझे उसके लिए लेट हो रहा था। और उसके बाद फिर मुझे मम्मी के यहाँ भी जाना है, कुछ काम है, तो इस वजह से मैंने सोचा एक जगह ड्राई क्लीनिंग होता रहेगा कपड़ा, और दूसरी जगह मैं नाश्ता बनाती रहूँगी। रस्से से देखा नहीं गया कि भाभी तो इधर उधर में ना वो कपड़ा धो पाएगी, ना खाना लंच टाइम से बना पाएगी, फिर डांट पड़ेगी भंडारी जी भैया के हाथ से। तो इसलिए फटाफट सुनो ना, चलो मैं फटाफट कपड़ा धो जाता हूँ। तो मैंने आज धो रहा है वो कपड़े, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया ये लड़का? तो ये ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़ा हो रहा है वॉशिंग मशीन में। मैंने इतने सारे कपड़े भी निकाल दिए, आज ही मौका निकाला मैंने। मैंने आज धो रहा है तो लगे हाथ, ये देखिए ये भी निकाल दिए मैंने। देखिए यार, आप लोग धन्य यार, भगवान के बाजू क्या है यार। और ये भी निकाल दिया मैंने रस्से, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। आज मुर्गा बुरी तरह फंसा हुआ आज, इसलिए फटाफट उससे फायदा लिया जाए, नहीं तो ये कपड़े ना इतने इतने भारी भारी जो ये दरी है, ये मोटी चादरें हैं ना, मेरे से धोया नहीं जाता उसको, तो मुझे लग जाते हैं एक घंटे। तो इस वजह से ना मैंने सोचा आज ये जब मेरी हेल्प कर रहा तो पूरी हेल्प लिया जाए, है कि नहीं? कैसा लग रहा है रासे? कैसा लग रहा है? अरे मैं तो थक जाती थी, हाँ मेरे तो आफत निकल जाती थी कपड़े धोते, तभी मैं सोच रही थी मैं ऑटोमेटिक मशीन लूँगी। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सीधा डाला उसमें बस हो गया फटाफट, है कि नहीं है? क्या बात है, टहल रहा है। देखो टाइम, देखो कितना हो गया, कितना हुआ? 9 बज रहे हाँ, हाँ। यूं मात्र 45 मिनट नहीं भी नहीं लगे, 45 मिनट भी नहीं लगे कपड़े धोने में। और आप लोगों की सुबह 8 बजे मशीन चलेगी, दोपहर का 3 बज जाए फिर भी 12 कपड़े बच जाएंगे आप लोगों के। देख लिया? अरे तू अब मैं भीगा हूँ, एक कपड़ा मेरा भीगा हुआ दिखा दो, गारंटी कि मेरा कपड़ा भीगा हुआ दिखा दो एक भी, ना आगे से ना पीछे से, दुखा हूँ पूरा ड्राइव। और आप लोग ऐसा करो जब नहाना पड़ रहा है, बाबा कपड़ा धोना पता नहीं गेस्ट पता नहीं क्या होगा, एक कला है, आर्ट है। लिख के दो ना, आजकल ना उसकी बोलने की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि भाई कोई किचन से मारे से आराम से कपड़ा भी धोया। देखो प्लांट, देखो झाड़ू पोछा सब, देखो प्लांट में, देखो पूरा नला धुला के, देखो सीढ़ी, देखो कहीं, देखो बताओ जरा इतना काम करता है। बाहर टंकी भी साफ कर दी, टंकी धो के भर दी, इतना काम बताओ, कपड़े भी धोए, कपड़े पता नहीं चला 9 बज रहे हैं और बेइज्जती हमारी। और आप लोगों ये कपड़ा, अभी कपड़े वो मशीन में कपड़े ऐसे पड़ा रहता, अरे कपड़े हो गए वो, हाँ मैं नाश्ता, अभी नाश्ता भी बनाया आप लोगों को, और घोर बेइज्जती ये लड़के को, जब मौका में इतना घोर बेइज्जती कर देता ना ये लड़का, क्या बताऊं मैं गाइस, ओ माय गॉड, ये तो घोर बेइज्जती हो गई हमारी। देखो डायलॉग है ना, डॉक्टर साहब मुझको बीमारी हो गई है, कोई मेरे मुंह में बेइज्जती करता मुझे से
वही वाला हाल हो गया। कहाँ गया ये? अब मैं दे रही हूँ रसे को शरबत, ये ग्लूकोज का है ये शरबत, देखिए ग्लूकोन डी है। अभी काम किया है ना उसने, तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का ना सुना सुना के मार देगा मुझे। अब देखें, अब देखते हैं, अब इसमें भी नुक्स ना निकाल दे ये लड़का। रसे ये ले जूस, ये लो जूस। जूस अगली बार से थोड़ा ना धोने वाला कपड़े में। बात कर, बेवकूफ थोड़ी ना हूं मैं। लो सैंपल, अरे लो भाई, ये डेमो का डेमो, ये डेमो दिखाया आप लोग, कपड़ा क्यों धोते हो डेमो। अच्छा आप लोगों के लिए डेमो है, तो जूस भी डेमो है। चलो डेमो है तो ठीक है। क्या कह रहे रिश्वत है? अरे रिश्वत ही सही, आप इतने सारे कपड़े धो के मुझे फ्री तो कर दी है कि नहीं? मोबाइल चलाओगे ना आप बैठ के आराम से? नहीं नहीं, ब्लॉग बनाना है मुझे, एडिट करनी है। अब मैं बैठ के फटाफट नाश्ता नुश्ता बन गया है मेरा, अब फिर फटाफट रोटी बनाती हूँ, उसके बाद इसको दे के फिर मैं अपने ब्लॉग को भी एडिट करनी है, और भी अदर भी काम करना है, बहुत सारे काम है। उसके बाद मम्मी के यहाँ भी तो जाना है मुझे, उसके बाद फिर वहाँ से आके आधे मर का काम है, पर इस लड़के ने थोड़ा सा मेरा काम इजी कर दिया कपड़े को धो के। देखते फिर फिलहाल तो मैं नाश्ता बनाती हूँ। भंडारी जी को हमने लंच पैक करके भेज दिया है, नाश्ता उस सुबह बहुत ही कम करते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आंचल दिखाई नहीं दे रही मेरे ब्लॉग में, एक्चुअली क्या है कि आंचल अपने भैया के पास गई है, अक्षित के पास में कोलकाता, क्योंकि उसको हो गए 10-15 दिन हो गए उसको गए हुए, तो वो मंडे को आ जाएगी। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरी गलती की वजह से ना वो सारे वीडियो अब डिलीट हो गए, क्योंकि मेरे जो फ़ोन का है जो मेमोरी वो भर गई थी। तो मैंने क्या किया, जो वीडियो मैंने सेव करके थे ना, मैंने सोचा ना ये सेव तो है ही है, तो ये डिलीट नहीं होगी सोचा, बट वो भी डिलीट चली गई वो वीडियो भी। इस वजह से मैं आपको बता नहीं पाई कि आंचल भी कोलकाता जा रखी है बोल के, तो इस वजह से। तो अब देखते हैं, वैसे आपको बता दूं इंजॉय बहुत कर रहे हैं दोनों भाई बहन, और लड़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक साल का जो कसर है ना भाई बहनों की जो लड़ाई है वो भी पूरी कर रहे हैं। और जब भी फ़ोन करती है तो बोलती कि अक्की से मेरी आज लड़ाई होगी, मेरे से झगड़ा हो गया, मेरे से बहसबाजी होगी। अक्की भी बोलता है कि दीदी ने ये क्या, दीदी ने वो क्या, बताओ। अभी उनको मिले हुए 2 दिन नहीं हुए, इनका ये हाल है। तो सोचिए गाइस, जब यहाँ पे रहते होंगे तो कितने लड़ते होंगे, और मुझे भनक तक लगने नहीं देते थे कि इनकी लड़ाई हो रही है। और बाद में जब रोते थे ना दोनों के दोनों, तब पता चलता था इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। अब फिर क्या करें, फिर दोनों मार खाते थे फिर, क्योंकि मैं एक को नहीं मारती थी, मारती थी फिर मैं दोनों को मारती थी, फिर इससे क्या होता है कि दूसरा गलती नहीं करेगा। रसे नाश्ता करने आ जा, हैंड वॉश करके। सुबह से कपड़े धो रहा हूँ मैं, और हैंड वॉश करके आया है। ये फिल्मी डायलॉग मत मारो यहाँ ज्यादा। हैंड वॉश नाश्ता करने में हैंड वॉश करके सुबह से कपड़े धो रहा हूँ, तो खाल भी निकल गई आज की। धो तो रहा है, हैंड वॉश तो कर रहा है ना, ये तो हल्का साबुन सुबुन रहता है ना, वो तो करना पड़ता है ना। पहले बता, मैंने इसी चीज के लिए बोला था हैंड वॉश करके। हां ये देखो यहां खाल निकल गई रातों की, देखो ये देखो। चल कोई नहीं, क्या पता तुम्हारे हाथों के खा वो रसने तो पूछा नहीं मेरे से क्या सब्जी आज सब्जी किस चीज की थी। गवार की सब्जी बना रही क्या? आज मैंने बनाया एक ग्वार, ग्वार नहीं बोलते, ग्वार बोला जाता है। ग्वार भाई, ग्वार हमारे ग्वार है। ये ग्वार की सब्जी बनाई मैंने आज, और गाय जी मैंने बनाया फर्स्ट बार यूट्यूब देख देख के।
और वाकई में बहुत टेस्टी बनी है। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको फिर बताऊंगी। इतना बेइज्जती मत कर भाई, इतनी बेइज्जती मत कर। अभी तक इसका काम खत्म हुआ नहीं और अभी ये इस तरह इसको कंप्लीट कर रहा है। मम्मी क्या, तो मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगी, फिलहाल तो मैं अभी थोड़ा तैयार हो जाऊं और उसके बाद फिर चलती हूँ मम्मी के यहाँ। क्या बात, पेड़ पौधे है ना वो बहुत क्या क्या शिकायत हो गई? थोड़ा काम है अभी आ रहा हूँ। बिंदी क्यों नहीं लगा रखा? बिंदी लगा दो, बिंदी तो लगाओ पहले। कहाँ विशाल, कहाँ है? आ रहा हूँ, अच्छा आता हूँ मैं, आता हूँ मैं, पंखा ही बना रहा हूँ। बस मैं थी खूबसूरत बॉय, हैंडसम बॉय के ले रही हूँ। देखो ब्लॉग बना रहे हैं आप? हाँ हाँ सच्ची में। देखो मैंने लगे हाथे इससे भी अपना सब्सक्राइब करवा रही हूँ होमी ब्लॉग नाम से। ओके क्या देना है? लड़के लोग आंटी लोगों के ब्लॉग नहीं देखते, वो गर्ल्स के ब्लॉग देखते हैं। तो भूले भटके देख लेना, ठीक है? नहीं यार ये ढीले पानी में ही प्रॉब्लम है, अरे भाई गिर गई थी मैं भी। गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। बाकी यहाँ देखो, दिखा वीडियो, दिखा वीडियो कॉलिंग कर रही है। ये देखो मेरी मेरी बेटी अक्की, कहाँ है अक्की? वो गु कहाँ गया? कहाँ गया अक्की? वो पढ़ने बैठा है। पढ़ने बैठा हुआ, दिखा जरा उसको, दिखा। अच्छा ये अभी तक इतनी बकवास कर रहा। ए मेरी मम्मी पापा का ही जगह, यहाँ देखो थोते दांत से खा रही है पकौड़ी। ये लीजिए, मैं आपके लिए दूध और कॉफी लेके आई हूँ। थक दे ना जरूर, टीवी हर दे अरे टीवी देते के थकते नहीं है, क्या बना रहे? ये है कड़ी का पकौड़ी जो दिल शेप में बना हुआ है। आज आए हम किस काम से थे? बाबा की पुराने जमाने की स्टोरी सुन सुन के इंटरेस्टिंग बढ़ गया। रासे घर भी चलना है, घर भी चलना है।